नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष एवं करौंद व्यापारी संघ के अध्यक्ष भाजपा नेता गौरी शंकर काका का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से चर्चा में सभी का धन्यवाद देता हूँ कहा, सभी का आशीर्वाद इसने ऐसा ही बना रहे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बड़ी बधाई के संदेश दे रहे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं प्रदेश और भोपाल क्षेत्र के सभी मेरे चाहने वालों को धन्यवाद देता हूं कि आज मेरा जन्मदिन सभी व्यापारी बंधु, सभी सामाजिक बंधु और इष्ट मित्रों ने बड़ी धूमधाम से मनाया है। इसके लिए मैं सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और उन लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सेवा में किसी तरह की कोई कमी मेरे द्वारा नहीं है। सर, भारतीय जनता पार्टी का जो बजट आया, बड़ी ऐतिहासिक बजट आया है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश हित में ही पूरी काम हो रहा है और जो इस बजट आया, युवा, किसान, गरीब कल्याण और सभी महिलाओं के नारी शक्ति में जो नई ऊर्जा मिलेगी, इससे देश और आगे बढ़ेगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय मोदी जी, आदरणीय हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी को और जिन लोगों ने ये बजट में सहयोग किया है, उन सभी की मेरी ओर से, ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश की ओर से, करौंद व्यापारी संघ की ओर से मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि इतना प्यारा और इतना अच्छा बजट उन्होंने किया जिससे आम जन को लाभ मिलेगा। सर, नरेला विधानसभा की हम बात करें तो माननीय विश्वासराय मंत्री जी, मोदी जी साथ में लगातार आप विकास की गंगा बहा रहे, जन समस्याओं को निरंतर उठा रहे। देखिए, विश्वास भैया ने नरेला को विधानसभा नहीं, नरेला परिवार बनाया है और परिवार के मुखिया के नाते वो इस क्षेत्र में जितनी भी विकास के कार्य हो रहे हैं, चाहे नरेला कॉलेज हो, चाहे नर्मदा जल हो, चाहे ओवरब्रिज हो, मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा है जिसमें 6-6, 7-7 फ्लाई ओवर एक साथ बने हैं। और अभी आपने देखा, अभी आदरणीय गडकरी जी आए थे, एयरपोर्ट से लेकर अयोध्या पार्क तक 6 लेन रोड बन रही, जिससे और आवागमन सुचारू रूप से होगा। तो इस सेतु आदरणीय भैया को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप इस क्षेत्र की विकास की गंगा बहाते रहें। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।